सिखों को तो मैं हाथ जोड़ दूंगा, पैर भी पकड़ लूंगा। अगर असली सिख है तो कांग्रेस को कभी जिंदगी वोट मत दे देना। चरणजीत सिंह दबखेड़ा जी नाम। ये बताया, हम लाडवा में मौजूद हैं। आपने देखा होगा, न्यूज आ रही है कि एक बुजुर्ग जिसने पगड़ी पहनाई बीजेपी उम्मीदवार को, उसकी टांग तोड़ दी। कांग्रेस ने किया है वो तो ऐसे, ये तो उनकी फितरत बन चुकी है। जब वो राज में रहते तब भी ऐसे करते हैं और बिना राज के भी ऐसे कर रहे हैं। अगर दोबारा राज उनको सौंप देगा, पहली बात सौंपेगा नहीं कोई भी, वो दोबारा राज में आएंगे फिर वही गुंडागर्दी करेंगे। क्योंकि उनके राज में मैंने देखा जी, जब हुड्डा का राज था मेरे लाड़ों में हर तीसरे दिन गोली चलती थी यहाँ पे। ठीक है, इतना गुंडा राज था। आप देखो, दिखा दो कहीं पे। राहुल गांधी आए थे, कह रहे थे कि भाई अच्छा ये मंदबुद्धि है, वो तो उसको देख के लोग ताड़ियां भी आते हैं ऐसे। क्या कहेंगे सर, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? गुंडागर्दी कहीं से भी जायज नहीं है। गुंडागर्दी करने वालों को वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। अब की बार फिर नायब सरकार, और वो सरकार जो सबका विकास समान रूप से करती है, जो कांग्रेस के लोगों ने खर्चियां और पर्चियां बना के रखी हुई हैं वो उनकी जो है ताले लगे रह जाएंगे। वो खर्चियां पर्चियां चलने वाली नहीं है, यहाँ पे ईमानदारी चलेगी। ये सर देखो, ये इनकी बौखलाहट है, इनको अपने हाथ से राज जाता दिखाई दे रहा है। लोगों को समझ है हिमाचल में जो है बुरा हाल हो गया, कभी हरियाणा भी और इनका राज गलती से आ गया तो 20 साल पीछे चला जाएगा। जो विकास की एक रफ्तार है वो रुक जाएगी अगर इनकी सरकार आ गई तो। मैं तो एक ही अपील करूंगा पूरी जनता को, अब की बार फिर नायब सरकार और विकास चौमुखी पूरा बराबर होगा पूरे 28 के 28 जिलों में। राहुल गांधी तो कहते हैं सिख समाज हमारे साथ है, बीजेपी राज में तो उनके साथ अत्याचार। सिख समाज जो है बीजेपी के साथ पूरे जोर शोर से खड़ा है, और सिख समाज समझ गया है कि इनके झूठे वादों में जो है 60 साल इन्होंने राज किया, सिख समाज को क्या दे दिया इन्होंने? आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया, आज तक कुछ नहीं है। बीजेपी के बहुत एहसान है सिख समाज पे, और सिख समाज जो है इनका ऋणी रहेगा। वो फिरोज खान की औलाद है, उसको खान बोलो, गांधी बोलने का क्या मतलब? किसी ने उसको टाइटल दे दिया गांधी का? गांधी फिरोज खान की औलाद है, फिरोज खान ही रहेंगे वो। राहुल गांधी लाडवा के अंदर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, सीधा मेन रोड से ही आगे निकल गए हैं, आरी बाहर निकल गए। लाडो में पैर रखने की उनकी हिम्मत नहीं हुई है। यहाँ पे तो नायब हो रही है, ये बुखड़ाए हुए हैं सारी की सारी, इनकी सरकार बुखड़ाई हुई है इसलिए मारपीट करती है, अन्यथा कोई इनका माहौल नहीं है। उड्डे का कुछ नहीं है जी, वो तो वैसे जी बच्चे वाला काम कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय मौजूद है, हम हरियाणा चुनाव को कवर कर रहे हैं, और लगातार जो आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के कई नेताओं में बौखलाहट दिखाई दे रही है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कहीं गोली चला रहे हैं। और अब ये एक मामला सामने आया है कि एक बुजुर्ग जिसने कैप्टन अभिमन्यु जो बीजेपी के प्रत्याशी उनको पगड़ी पहनाई थी, अब उनको किस तरीके से उनके पैर को उन्होंने तोड़ने का काम किया, उनके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है। तो एक हार की हताशा अब कांग्रेस में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस समय हम लाडवा में मौजूद हैं, यहाँ पर खुद राहुल गांधी आए थे, तो यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। नाम क्या सर आपका? वीरेंद्र सैनी है जी। अब ये बताइए, हम लाडवा में मौजूद हैं, आपने देखा होगा पलवल में कल एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी गई, अब एक बुजुर्ग जिसने बीजेपी प्रत्याशी को पगड़ी पहनाई उसकी टांग तोड़ दी है, कितना ये जोर लगा लो, ये अभी कहने लग गए हमारी सरकार आने दो ये कर देंगे। क्या कर देंगे? ये 10 साल साइड में कर दिए, और 5 साल यू आने वाला समय ये भी साइड है इनका, कोई ताकत नहीं। तो ये इतनी गुंडागर्दी क्यों हो रही है? अगर ये अभी से इतना है तो जिसको ये चोटाला कर देना खोस लो, इनका तो खोसने वाला काम हो रहा है, इनको नहीं मिलता कुछ भी, ये तो भूखे मरे 10 साल से। सुना नहीं आपने, एक उनका प्रत्याशी बोल रहा है पहले अपनी जेब भरेंगे, फिर रिश्तेदारों की भरेंगे, फिर अपने यारे पारे मरे, भूखे मरे हैं, भूखे मरते लोगों को पिटाई कर रहे हैं, छेद रहे हैं, गरीब लोगों के ऊपर वो कर रहे हैं। तो जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं कांग्रेस के जो समर्थक हैं, इनको क्या चेतावनी देना चाहिए? चेतावनी है या पब्लिक देख नहीं रही, या चेतावनी है पूरे हरियाणा देख, जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है ना, नायब सैनी जी जहाँ आते हैं सिर पे बिठाते हैं लोग, एक बार पता लगता ही सीएम साहब यहाँ पहुंच गए, पब्लिक देखो कितनी इकट्ठी होती है। सीएम सिटी बन जाएगी तो कितना उत्साह है लोगों में? उत्साह ये देखना, पेरिस बन जाएगा, पेरिस इसका। अभी तक रोहतक की बात चलती थी पूरे हरियाणा में, वो तो अपना क्षेत्रवाद था, इसका कोई क्षेत्रवाद नहीं है। या आप कहीं चले जाओ, आप पलवल चले जाओ, आप हिसार सिरसा चले जाओ, इन्हें सब जगह काम किया है, और सभी बच्चों को आप देखो बगैर पर्ची खर्ची। मैंने भी 20 साल नौकरी की है, लेकिन हमारे टाइम में भी कोई भी बच्चा अगर कोई बगैर पैसे लग गया तो सिफारिश बगैर नहीं लग गया। उन्होंने अपनी लिस्ट से 10 साल चौटाला साहब ने जेल काटी, अपनी घर की लिस्ट बनाई, ये सारी नायब सैनी ने बीजेपी पार्टी ने खत्म कर दी है। सारे गरीबों के बच्चे अपने आप लगे हैं, सोचते उनके कोई एसडीएम तहसीलदार लग जाएगा, हमारे गरीबों के बच्चे अपने आप लगे हैं, टीचर लगे हैं अभी, और 25,000 बच्चों की 24,000 की लिस्ट तैयार है।
सब सीएम साहब ने कहा शपथ बाद में, लेकिन लिस्ट पहले आउट कर देंगे। तो जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो क्या माहौल होगा? क्या माहौल? पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। और हरियाणा के अंदर जैसे 8 ढोल बज रहा है ना, 8 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर डीजे बजेगा, पूरे ढोल बजेंगे, आप देख लेना। सर बुजुर्गों पे इस तरीके से उनका पैर तोड़ देना, क्योंकि वो खाली बीजेपी को समर्थन। हम इस चीज की बहुत गैर निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और अब वो पहले वाली जनसंख्या नहीं है, जनता नहीं है, जनता जान चुकी है इनके कारनामे क्या थे। इन्होंने पर्ची खर्ची के सारे इतनी नौकरियां अपने क्षेत्रवाज में दी है। आज पूरे हरियाणा का कोई भी एक बच्चा बेरोजगार ये नहीं कह सकता कि मैंने 5 रुपये का कोई मिठाई का रसगुल्ला भी दिया किसी को। आज समान विकास है सारे के सारे हरियाणा में। मैं ये चाहता हूँ आप वो सपने भूल जाओ, जनता जाग चुकी है। और रही बात ये मानसिकता जो ये कर रहे हैं हमारे OBC के साथ, मानसिकता अच्छी मानसिकता कर रहे हैं, SC के साथ कर रहे हैं, ये सुधर जाओ। जनता अब जान चुकी है इनके बातों को। अब वो बहकावे में नहीं आने वाली। अच्छा। कोई ये सोचता है कि हम पैसे से खरीद लेंगे इस जनता को, अब वो भी समय चला जा चुका है, अब वो दोबारा नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे सर, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं? गुंडागर्दी कहीं से भी जायज नहीं है। गुंडागर्दी करने वालों को वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। अच्छा। अब की बार फिर नायब सरकार, और वो सरकार जो सबका विकास समान रूप से करती है। जो कांग्रेस के लोगों ने खर्चियां और पर्चियां बना के रखी हुई हैं, वो उनकी जो है ताले लगे रह जाएंगे। वो खर्चियां पर्चियां चलने वाली नहीं है। यहाँ पे ईमानदारी चलेगी। विकास जो किया है उसका जो है प्रभाव वो चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है। अब कोई भी खर्ची पर्ची जो चलने वाली नहीं है। जितने मर्जी झांसे ये दे लो, जितने मर्जी ये वादे कर लो, ना इन्होंने वादा पूरा किया आज तक। कोई तक तो ये झूठे वादे दे रहे थे, लेकिन अब तो पिटाई करने में आतुर हो गए। ये सर देखो, ये इनकी बौखलाहट है। इनको अपने हाथ से राज जाता दिखाई दे रहा है। लोगों को समझ है हिमाचल में जो है बुरा हाल हो गया, कभी हरियाणा भी और इनका राज गलती से आ गया तो 20 साल पीछे चला जाएगा। जो विकास की एक रफ्तार है वो रुक जाएगी अगर इनकी सरकार आ गई तो। मैं तो एक ही अपील करूंगा पूरी जनता को, अब की बार फिर नायब सरकार और विकास चौमुखी पूरा बराबर होगा पूरे 28 के 28 जिलों में। राहुल गांधी तो कहते हैं सिख समाज हमारे साथ है, बीजेपी राज में तो उनके साथ अत्याचार हो रहा है। सिख समाज जो है बीजेपी के साथ पूरे जोर शोर से खड़ा है, और सिख समाज समझ गया है कि इनके झूठे वादों में जो है 60 साल इन्होंने राज किया, सिख समाज को क्या दे दिया इन्होंने? आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया, आज तक कुछ नहीं है। बीजेपी के बहुत एहसान है सिख समाज पे, और सिख समाज जो है इनका ऋणी रहेगा। आपका नाम क्या सर? नरेंद्र सिंह। अब ये बताइए, हार की बौखलाहट इतनी है कि अब दूसरे को मारने पे उतार हो गए हैं? ये अब हार की बौखलाहट लगा लो, चाहे पहले दौर का इनका गुंडागर्दी का दौर वापस लगा लो। अब लोगों को समझना चाहिए कि ये वही दौर पर लौट रहे हैं। जब हार सामने दिख रही है ये बौखला गए हैं। कभी हमारे SC भाइयों पे, कभी OBC पे इन्होंने जुल्म अभी से करना शुरू कर दिया। जैसे इनकी सरकार आएगी ये पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये अब हर बंदा हर समाज समझ चुका है कि अभी से इनका ये हाल है तो आने इनकी सरकार आ गई तो क्या करेंगे। और ये स्पष्ट है ये सत्ता से बहुत कोसों दूर हैं। नायब सरकार दोबारा फिर आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, और इनकी बौखलाहट ही बता रही है कि नायब सरकार आ रही है। जहाँ भी ये हमारा कोई दलित कार्यकर्ता, हमारा बस्ता पकड़ने वाला हमारा कार्यकर्ता होता है जो पार्टी का जो BJP से जुड़ा हुआ है, ये उस पर जो जाकर दबाव बनाते हैं उसको तोड़ने, लेकिन वो डरता नहीं। कभी ये बोतलें मारते हैं, कभी पैर तोड़ते हैं ये, लेकिन फिर भी नहीं डर रहे। फिर भी नहीं डर रहा, वो सामने आकर मीडिया को बयान दे रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए हम नायब सैनी को CM बनाकर ही रहेंगे। तो आपने तो हुड्डा जी का काल भी देखा हो, तब आप युवा हुए होंगे, तब क्या हालात करते थे? तब हालात ऐसे थे भाई, 20 लाख रखो पर्ची खर्ची वरना नौकरी से दूरी, ये हालात थे, या गुंडागर्दी और कुछ नहीं था। इनके सब सिस्टम इनका लोगों ने देख रखा है, और सिर्फ जो लगते थे एक जिले से रोहतक और कहीं कुछ नहीं, विकास तो रोहतक, लेकिन BJP का देखा होगा समान विकास। और यहाँ तो CMCT बनने जा रहा है लाडवा, तो लोगों की तबीयत खुश है और लोग इस खुशी खुशी झूम रहे हैं, और CM को 100% मतदानों से विजयी बनाकर भेजेंगे। आपका नाम क्या है सर? राहुल है जी। अब ये बताइए सर, लगातार जैसे ही कांग्रेस को ये लग रहा है कि हरियाणा उनके हाथ से निकल रहा है, अब वो गुंडागर्दी पे उतार हो गए हैं। भाई साहब जब दीवा बुझता है ना तो एक बार फड़फड़ाहट होती जरूर है,
तो उनको ये पहले ही दिख चुका है कि नायब सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है, तो ये सिर्फ बुखलाहट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। 5 तारीख का दिन होगा, कमल का चुनाव चिन्ह होगा और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। पहले इन्होंने दलित पे एक वोट देने के लिए जो बीजेपी को बिल्कुल आतुर था उसके सर पे उन्होंने बियर की बोतलें फोड़ी। कल उन्होंने एक बुजुर्ग जो पगड़ी पहना रहा था बीजेपी उम्मीदवार को उसकी टांग तोड़ दी। अब परसों गोलियां चला दी बीजेपी। भैया एक काम, आम नागरिक की तो बात छोड़ो, जो उनकी वरिष्ठ नेत्री या दलित समाज की कुमारी शैलजा, उसके ऊपर उसके समाज के द्वारा कितनी अभद्र टिप्पणियां की गई। अगर मैं किसी पार्टी से संबंध रखता हूं तो मैं भी इच्छा रख सकता हूं कि मैं MLA बन सकता हूं या सांसद बन सकता हूं या मैं चीफ मिनिस्टर भी बन सकता हूं। उसी तरह उस समाज की नेत्री ने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूं, लेकिन जैसे ही उसने ये इच्छा अपनी जाहिर की उसके साथ बदसलूकी होनी शुरू हो गई। उनका एक पहले एक वरिष्ठ नेता होता था अशोक तंवर, उसके साथ भी भरे मंचों के ऊपर उसके साथ मारपीट की गई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उनके पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता उसे मिलने तक भी नहीं गया। या इस बात से आप अंदाज़ा लगा लो कि भाई दलित समाज की वहाँ पे कितनी अनदेखी है। वो तो सिर्फ पिता और पुत्र की पार्टी मात्र है, अगर तीसरे का किसी का नाम आएगा तो उसी को ठोक दिया जाएगा। हरियाणा की जनता इस बात को पूरी अच्छी तरीके से समझ चुकी है और पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनने जा रही है। चुनाव ही नहीं हुआ है, अगर ये चुनाव के बाद अगर जीत जाएंगे तो क्या गुंडागर्दी मचाएंगे? भाई जीतेंगे नहीं वो, ये उनकी सिर्फ बौखलाहट है। मैंने जैसे कहा कि जब दिया बुझने पे आता तो एक बार फड़फड़ाता जरूर है, वो फड़फड़ाहट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या अपील करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को वोट हो जाएगा आपके हरियाणा में? मेरी जनता से, पूरे हरियाणा की जनता से ये अपील है कि किसी भी फ्री के जुमड़े में फंसने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी इस तरीके के, लोकसभा का जब चुनाव था तो 8500 रुपये हम खाते में दे देंगे, हिमाचल का इलेक्शन था कि हम 1500 रुपये हर महिला को देंगे, लेकिन आज वही हिमाचल की सरकार, आप मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट जा करके देख लीजिए, हाथ खड़े कर दिए कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह देने के भी हमारे पास पैसे नहीं है। और जो 8500 रुपये जहाँ उनके सांसद जीत करके आए हैं वो वहाँ की जनता उनके पीछे पीछे फिर रही है उनके घरों के ऊपर, और वो उनको ठा ठा करके अब वहाँ से पुलिस के द्वारा या किसी और के द्वारा वहाँ से ले जाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के जब चुनाव लोकसभा का चल रहा था तो उनके वर्कर एक परफॉर्मा लेकर के पब्लिक के बीच में जाते थे कि भाई ये परफॉर्मा आप भरिए, जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो 8500 रुपये प्रतिमा आपके खाते में आएंगे, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र था ये और ये परफॉर्मा उनके द्वारा भरवाया जनता से जा रहा था, लेकिन भराया जा रहा कि 100 गज का प्लॉट कुछ नहीं मिलेगा। भाई साहब 10 साल पहले भी उनकी सरकार रही है, सिवाय जनता के साथ ठगी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जनता को तो उन्होंने सदैव लूटने का काम किया, किसान हमारे 2-2 रुपए के चेक बद्दा मजाक किया जाता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगते हैं। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने 10 साल के हिसाब देना चाहिए, उन्होंने किसानों की जमीनों को कोड़ियों के दामों पर लूट करके एक दामाद को देने का काम किया और उस दामाद ने उस जमीन को बेच करके आज वो अरबों खरबों पति बन चुका है। उसको हिसाब देना चाहिए कि वो कहाँ से पैसा इतना आया है उसका। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर वर्ग खुश है, किसान खुश है, किसान का दाना दाना MSP के ऊपर बिक रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर 14 फसलों पे हरियाणा MSP देने वाला राज्य था, लेकिन जब से हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी बने हैं उन्होंने 14 से बढ़ाकर 24 फसलें MSP पे देने का काम किया। और आप देखना अभी हमारी संकल्प पत्र के अंदर भी ये बात है कि अभी जो उस पर जीरी पे जो MSP मिल रही है वो 2400 रुपये के लगभग है, और जैसे ही हमारी तीसरी बार सरकार बन जाएगी तो हम इसको 3100 रुपये लेकर के जाएंगे। साथियों महिला वर्ग की बात मैं करूं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले के अंदर महिला थाने खोल ले गए, और अब हमारी एक संकल्प पत्र के अंदर हमने एक संकल्प ये भी लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जैसी हरियाणा के अंदर सरकार बनती है तो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे। इस तरीके से बहुत से युवाओं के लिए बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरिट के आधार पर, जो हमारे कच्चे कर्मचारी थे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का काम किया, बहुत सी योजनाएं हैं। मैं बोलता रहूंगा तो 4 घंटे लगातार बोल दूंगा। सर आपका नाम क्या है? सर अवतार सिंह जी। ये बताएं, लाडवा में आए हम मौजूद और थोड़ी देर बाद रोड शो होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है लाडवा में? बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है, पूरा लाडवा उत्साहित है, पूरा हरियाणा उत्साहित है जिस दिन से नायब सैनी जी आए हैं। जी हाँ जी, ये बताए कल यहाँ पर परसों यहाँ पे राहुल गांधी भी आए थे, उसका कुछ हो रहा? खान है वो, फिरोज खान की औलाद है, उसको खान बोलो, गांधी बोलने का क्या मतलब, किसने उसको टाइटल दे दिया गांधी का? अरे वो
गांधी जनेऊ दिखा के चलते से बन गए वो गांधी, फिरोज खान की औलाद है, फिरोज खान ही रहेंगे वो। राहुल गांधी लाडवा के अंदर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, सीधा मेन रोड से ही आगे निकल गए हैं, आरी बाहर रोड तो आरी बाहर निकल गए। लाडो में पैर रखने की उनकी हिम्मत नहीं हुई है, यहाँ पे तो नायब नायब हो रही है। ओनली फॉर एक जाति विशेष, हुड्डा का क्या प्रपोजल है भी, एक ही जाति विशेष रहनी चाहिए। दलित समाज को कितना नीचे दिखाते हैं, सैलजा के जितने बंदे खड़े हैं चार पांच सारे हारेंगे। सूर्जे वाले को कल हाथ मिलाया जा रहा था उनका, सुन लो, सूर्जे वाले का लड़का खड़ा वो भी हारेगा, उसको भी हरवाएंगे, इसीलिए बीजेपी जीतेगी 50+। हाथ मिले हैं दिल नहीं मिले, दिल नहीं मिला है, सिर्फ हाथ मिले हैं दिल नहीं मिले, दिलों दिलों के अंदर तो इतने घाव हो चुके हैं कि वो आने वाले समय के अंदर भी नहीं बनने वाले हैं। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र सैनी है, लाडवा से। हाँ जी, आप भी सैनी है? हाँ जी, हाँ जी। अब ये सीएम सिटी बन जाएगी, सीएम सिटी सबके वाह हो जाएगी। हाँ जी, खुश है? बहुत खुश है। हाँ जी, बन गई है बिल्कुल 101%। माहौल, कितने लोग आए रोड शो में? रोड शो में मेरे हिसाब से जी लाखों की संख्या में तादाद है, काफी है, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बहुत। तो हुड्डा जी का राज चलता था तब कुछ सुनवाई होती थी लाडवा की? नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती थी, एक ही जिले की सुनवाई होती थी। हुड्डा कभी आज तक यहाँ नहीं आया लाडवा में 10 साल की सरकार के अंदर। परसों यहाँ राहुल गांधी आए, उससे कुछ माहौल बदलेगा? कुछ नहीं माहौल बदला, राहुल गांधी तो सीधा ही चले गए जीटी रोड से। वो लोगों पे मारपीट कर रहे हैं बुजुर्गों को, जो ऐसा है ये बुखड़ाए हुए हैं सारी की सारी, इनकी सरकार बुखड़ाई हुई है इसलिए मारपीट करती है, अन्यथा कोई इनका माहौल नहीं है जी। चरणजीत सिंह दबखेड़ा जी नाम। ये बताएं, हम लाडवा में मौजूद हैं, आपने देखा होगा न्यूज आ रही है कि एक बुजुर्ग जिसने पगड़ी पहनाई बीजेपी उम्मीदवार को, उसकी टांग तोड़ दी। कांग्रेसी ने किया है? वो तो ऐसे, ये तो उनकी फितरत बन चुकी है, जब वो राज में रहते तब भी ऐसे करते हैं और बिना राज के भी ऐसे कर रहे हैं। अगर दोबारा राज उनको सौंप देगा, पहली बात सौंपेगा नहीं कोई भी, वो दोबारा राज में आएंगे फिर वही गुंडागर्दी करेंगे, क्योंकि उनके राज में मैंने देखा जी, जब हुड्डा का राज था मेरे लाड़ों में हर तीसरे दिन गोली चलती थी यहाँ पे, ठीक है, इतना गुंडा राज था। आप देखो, दिखा दो कहीं पे, और नंबर दो, जो ये अपना जो युवा है तो उसकी सबसे बड़ी पसंद क्यों है बीजेपी पार्टी? पहले खर्चा देके नौकरी मिलती थी या फिर बर्तन मांगने पड़ते थे मंत्री कोठी भी जाके, या 25 लाख देके चमचागिरी करनी पड़नी पड़ती, या 25 लाख रुपये होने चाहिए अटैची में, अब नहीं मिलती। मेरा छोटा सा गाँव है दबखेड़ा, ठीक है, 2000 आबादी है, 7 बंदे लगे अभी 5 साल में बिना खर्ची पर्ची, उनको पता ही नहीं जी मालूम मंत्री संतरी कोठी कहाँ पे है, वो तो कोचिंग सेंटर में आते हैं अगले। मैंने खुद एमए किया हुड्डा राज में, मेरे को नौकरी नहीं मिली, मैंने खुद एमए किया, एमए पास मैं हुड्डा राज में किया थी, मेरे को नौकरी नहीं मिली। आज मेरे गाँव से जो बच्चे पढ़ते लगते हैं नौकरी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, अगर मैं आज के टाइम में करता हूँ बिल्कुल 100% नौकरी लगता जी। मैं काबिलियत पे अगर तब भर्ती हो रही होती तो आप सरकारी, पहले पता ही, पहले जो SCS लगा था हमारे यहाँ पे सबको पता है, एक मंत्री का बेटा भतीजा लगा था, अब लगा था हरिपुर ब्राम से, घर में उसके बेचारे के जो टॉयलेट है ना उसमें पल्ली लगी हुई थी, पाँव में चप्पल थी उसके, रोने लग गई अब लगा SCS भर्ती। यहाँ राहुल गांधी आए थे कह रहे थे कि भाई वो तो बच्चा ही मंदबुद्धि है, वो तो उसको देखे लोग ताड़ियां बजाते हैं ऐसे, ठीक है, वो उसके बस का नहीं है जी, उसको जाके कहते हैं यहाँ सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही है। सिखों को ऐसा जी, यहाँ पे नैरेटिव सीट किया था अभी कांग्रेस ने थोड़े दिन पहले कि सिख समाज और जाट समाज यहाँ वोट डालेगा, और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जाट समाज सिख समाज ठोक के वोट डालेगा, जितना मान सम्मान मोदी ने सिखों की है ना, देखो ये थोड़ा बहुत मुंह से हो जाता है कि दूसरे को बोल देते हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने हमारा नुकसान किया था हम थोड़ी भूले हैं। मेरा जन्म 86 का है और 84 में वो कांड हुआ है, जिन्होंने देखा है अब कांग्रेस वाले जो पंजाब में इन्होंने देखा, ठीक है जी, मैंने तो महसूस किया है, मैं तो मतलब कभी जिंदगी में अपने मेरे बच्चे भी हैं उनको भी कसम खिला दी, इनको कभी उन्होंने दरबार साहब टैंक चढ़ाए हमारे भी, ठीक है जी, ठीक है, अंदर फौजें डाली, अंदर जूते लेके, ठीक है, उनको वोट थोड़ी डाल देंगे, सिख कोई भी डालेगा। और पहली बार हम देख रहे जी, हाँ मिर्चपुर कांड है जी, बिल्कुल है जी, दलितों के विरोधी हैं ये, ठीक है जी, और अभी कई बार कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों का विरोध करते, देखो जी इसमें सिखों का भी हो रहा है जी, ईसाइयों का भी सम्मान हो रहा है सरकार में, मुसलमानों का भी हो रहा है, ठीक है, वैसे जितना मर्जी भोंगते रहे, पहली बात तो ये बौखला आ गए जी, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो से क्या अपील करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को वोट हो जाएगा? ऐसा है, सिखों को तो मैं हाथ जोड़ दूंगा, पैर भी पकड़ लूंगा, अगर असली सिख है तो कांग्रेस को कभी जिंदगी वोट मत दे देना, तो जूनी में कौन से पड़ोगे ये नहीं को पता है। हम आए, हम क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है जी, जबरदस्त है, तीसरी बार नैब सैनी की सरकार बनने जा रही है। अब ये बताइए, कांग्रेस वाले इतने क्यों बौखला गए हैं कि किसी के पैर तोड़ रहे हैं, किसी के खोपड़ी फोड़ रहे हैं? देखो जी, उनकी तो वैसे ही सोच है, बहुत घटिया सोच है, बीजेपी सरकार है जो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, जो राष्ट्रहित के लिए है, वो हिंदू राष्ट्र के लिए है, उसमें जो भी सभी वर्ग है वो बीजेपी पार्टी में ही वो है। आप सरपंच हैं गांव में, तो गांव में कितने वोट हैं आपके? हमारे गांव में मोस्टली 90% है, 90% है बीजेपी पार्टी के। आप बीजेपी को? हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या सर? दलेल सिंह। ये बताएं,
क्या माहौल लग रहा है लाडवा का? बहुत बढ़िया माहौल, बीजेपी दिल से बहुत बढ़िया। ये बताएं जैसे ही पता लगा होगा आपको कि यहाँ से नायब जी उठ रहे हैं तो कैसा लगा उस समय? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसे नायब सैनी जी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आदमी। क्या लग रहा माहौल? बहुत अच्छा माहौल है जी, बहुत बढ़िया जी। नायब सैनी साहब सबका, गरीब अमीर का सबका साथी है जी। गरीब पब्लिक है जो उसका भी साथ दे जी, जो अमीर है उसका भी साथ दे, जो दुकानदार है उनका भी साथ दे। बहुत सिटी बन जाएगी तो कैसा लग रहा? बहुत ही अच्छा जी, बहुत गुड हो जाएगा जी, लंबरे एक बार जाएगा जी लाडवा हमारा। सुनते होंगे कि रोहतक रोहतक चलता रहता है हरियाणा में, अब लाडवा चले, अब लाडवा लंबरे एक बार आएगा जी। रोहतक हिसार भिवानी सबको छोड़ दिया, लाडवा लंबरे एक बार चलेगा जी। अब कह रहे हम आ रहे हैं, उड्डे का कुछ नहीं है जी, वो तो वैसे जी बच्चे वाला काम कर रहे हैं, उड्डे वाला कुछ नहीं है जी। आपके यहाँ राहुल गांधी आए थे रैली की थी उनने, वो तो बच्चे आज उसको नहीं पता कहीं के बारे में ना जी, उसको कुछ नहीं पता, वो बच्चा है, उसको इसके बारे में पता है, बच्चा है जी वो तो। हाँ जी, हमले कर रहे हैं जो बीजेपी को वोट दे रहा है, कांग्रेस वाले उन पे हमले कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं जी, उनको पहले जो उनकी सरकार थी जब भी हमले कर रहे थे, इब नहीं सरकार है भी हमले कर रहे जी। हाँ, नाम क्या सर आपका? रामकृष्ण सैनी जी। ये बताइए कांग्रेस वाले इतना क्यों बौखला गए हैं हार से कि जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं उनके सर फोड़ रहे हैं? उनको अपनी हार दिखाई दे रही है इसलिए बार बार हमले कर रहे हो कार्यकर्ताओं पे, और उनकी हार पक्की है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी, बहुमत की सरकार बनाएगी। नायब सैनिक लाडवा से 50,000 वोटों से जीतेंगे। क्या दे रहे हैं जो बीजेपी को वोट देगा उसको मार रहे हैं पीट रहे हैं, तो उनको क्या होगा 8 तारीख के बाद? 8 तारीख के बाद जो भी है सरकार उनके विरुद्ध एक्शन करेगी, जो भी है हमले कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार आएगी और न्याय मिले, जनता को न्याय मिलेगा।